विकास बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की रचनात्मक क्षमता विकसित करना, उनकी उत्कृष्टता का संगठन में उपयोग सुनिश्चित करना था। खास बात तो ये है कि दिव्यांग महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सिलाई मशीन भेंट की गई ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष इंद्र विजय गोहिल ने बताया है कि महिला दिवस में विशेष समाज की महिलाएं जिनका योगदान रहा है उनके सम्मान में यह आयोजन किया गया है। और इसमें खास बात तो यह है कि हमारे जो कर्मी हैं वहां भी महिलाएं काफी मुश्किल वाले क्षेत्रों में भी काम करती हैं और ऐसे इतना अच्छा काम करती हैं। हमारे बैंक के ग्राहकों को मेरी तरफ से बधाई। समाज में महिलाओं का सम्मान जरूरी है। महिलाओं को चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्रों में सुविधाएं मिलनी चाहिए। समाज में महिलाओं का और सम्मान बढ़े, उनको इक्वालिटी के तौर पे और अच्छे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सारे एरिया में सुविधाएं प्राप्त हों, उसमें हमारे प्रयास रहेंगे। इंटरनल भी हमने ये देखा है, चाहे प्रमोशन हो, पोस्टिंग हो, महिलाएं आगे रह के ही चली है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का जो अपना कल्चर है जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना और सही तरीके से चलाना, इसका ये हिस्सा है। और आज इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सारी महिलाएं, चाहे हमारे ग्राहक हो या स्टाफ हो, और आप दोनों को भी बधाई हो। सर, आज हम लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में मैंने बताया था, उसमें हमारे बैंक में बहुत अच्छा अच्छा काम करती महिलाएं, जैसे घर का भी काम संभालती है, ऑफिस का भी काम संभालती है, उसके बावजूद भी उत्कृष्ट काम करती है। उन औरतों को या उन वुमेन को ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाना, उनके जो भी क्रिएटिविटीज है, जो उन्होंने अच्छा अच्छा काम किया उसको आगे बढ़ाना, उनको मतलब प्रोत्साहन देना, और प्लस उन्होंने जो एक्सेप्शनली वर्क किया है बैंक के लिए, सोसाइटी के लिए, उनको सम्मानित करना, यही हमारा उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मेरे साथ